उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शिवपाल यादव को अखिलेश यादव का साथ देना भारी पड़ गया। जी हां, शिवपाल यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। जे श्रेणी की सुरक्षा की जगह वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिलेगी। योगी सरकार ने अखिलेश से बगावत के बाद बढ़ाई थी सुरक्षा और योगी सरकार ने बगावत का दिया था इनाम। इसके बाद फिर से इनकी सुरक्षा घटा दी गई है। शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से विधायक हैं, जो कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में यह सीट आती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से अपना राजनीतिक विरोध छोड़कर वो इस उपचुनाव में खुलकर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से उनकी सुरक्षा को घटा दिया गया है। आपको बता दें कि पत्र में कहा गया है कि गत 25 नवंबर को आयोजित राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में शिवपाल यादव को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा के स्थान पर वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में श्रेणीबद्ध सुरक्षा की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि प्रोटोकॉल है, हर साल इस प्रकार की समीक्षा की जाती है और सरकार तय करती है कि किसकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और किसकी सुरक्षा घटा देनी चाहिए। अधिक जानकारी के साथ शशांक श्रीवास्तव सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से। शशांक, यहां पर सुरक्षा घटा दी गई है, कहा यह जा रहा है सपा की तरफ से कि कहीं ना कहीं सपा से नजदीकी बढ़ते हुए या फिर मुलायम सिंह यादव के परिवार से उनकी जो फिर से नजदीकी बढ़ रही है अखिलेश यादव से, तो उसका नतीजा ये रहा कि उनकी सुरक्षा घटा दी गई है। लेकिन एक प्रोटोकॉल देखें तो हर साल ऐसा होता है कि पूरी समीक्षा होती है और उसके बाद सरकार निर्णय लेती है कि किसे वाई की सुरक्षा दी जाए, किसे जेड की दी जाए, किसे कौन सी सुरक्षा दी जाए। शशांक, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दोबारा रिपीट हुए थे और उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे और इससे पहले विधानसभा चुनाव की बात कर ले, विधानसभा चुनाव में जो तल्खियां थी अखिलेश और शिवपाल यादव की वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, जिसके बाद में अखिलेश यादव ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट से शिवपाल यादव को बाहर किया, पार्टी से बाहर किया, संरक्षक पद से बाहर किया, जिसके फलस्वरूप निकल के सामने आया कि समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने के बाद में अखिलेश और शिवपाल यादव दोनों की दूरियां जो थी वो बढ़ गई, तो इसका कहीं ना कहीं जो सीधा फायदा था वो बीजेपी को मिलता नजर आया, जिसके रिवार्ड के रूप में या कह सकते हैं इनाम के रूप में शिवपाल यादव को पहले एक बड़ा बंगला दिया जाता है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का था और वहां पे उनको पार्टी का राना चलाने के लिए कहा जाता है, जिस बात कथन ये रहता है इसलिए इनको ये चीजें दी गई। ठीक उसी के बाद में उनकी जो वाई श्रेणी की सुरक्षा थी उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की अखिलेश यादव की जो दूरी थी वो बीजेपी के लिए एक मौका थी, जिसमें क्या नाम है कि चुनाव में उनको बीजेपी के उसके वोट बैंकर्स को फायदा मिलता और ये बात होती जब चाचा और भतीजे दोनों अलग हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को बैक डोर से फायदा मिलता। लेकिन अब अखिलेश यादव का समर्थन जिस तरह से खुलकर के शिवपाल यादव ने किया है, बहू के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी ने बैकफुट पे आते हुए वाई श्रेणी की सुरक्षा फिर से वापसी की है और जेड श्रेणी के जो यानी अत्यंत अत्याधुनिक कमांडर्स के साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है वो उनके पास से फिर से वापस ले ली, तो ये कहना गलत नहीं होगा और ये राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के करीबियों का शशांक। लेकिन इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दोबारा शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बने थे, तब भी 100 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया गया था, उनकी सुरक्षा घटा दी गई थी, जिसमें पूर्व कई बीजेपी के नेता भी थे और कई वीआईपी और वीवीआईपी लोग भी थे। तो इससे ये कनेक्ट कैसे किया जा सकता है कि उन्हें इसका इनाम दिया गया था, अब चूंकि वो उसके करीब चले गए हैं फिर से अखिलेश यादव के, इसलिए सुरक्षा घटा दी गई है, ऐसा स्टेटमेंट सपा की तरफ से भी आया है क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजीव चौधरी आज देने पहुंचे, जहाँ लखनऊ में जनपद में चुनाव आयोग के ऑफिस में जब इसे इस बात से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इस बात से स्पष्ट होती है कि नजदीकियों का जो नजदीकियां जब जब से बढ़ी है तब से कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बिल्कुल शशांक, जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, हालांकि उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट किया था
कि इस तरह की बात हो गई, और लगातार ये सपा की तरफ से कहा भी जा रहा है कि बीजेपी जो उपचुनाव होने वाले हैं लोकसभा मैनपुरी में, तो वहां पर भी 6 लोगों की लिस्ट जारी की थी सपा महासचिव ने, कि ऐसे-ऐसे ये वहां पर दबाव बना रहे हैं कार्यकर्ताओं पे। और कहीं ना कहीं जो आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है सुरक्षा घटा के, और जो सपा के कार्यकर्ता उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ, और ऐसे में सपा को जिस तरह से कभी उनके कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है ऐसा उनका आरोप है, और अभी हाल ही में जिस तरह से शिवपाल यादव की जो सुरक्षा है उसमें कटौती की गई है, घटा दी गई है, उस पर भी कई सवाल खड़े कर रही है सपा कि कहीं ना कहीं बीजेपी इससे तिलमिलाई हुई है, इस वजह से सुरक्षा घटाई गई है। और लगातार सपा इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती भी रही और आगे भी लगाती जा रही है।